आप भी मतलब कभी मुझे यदि भूल जाता है या ध्यान में नहीं है, पता नहीं है, तो एक आध बार आप भी मुझे ध्यान में दिला सकते हैं कि रिकॉर्डिंग चालू की है क्या, तो वैसे जी में पक्का हो जाता है कि अपन सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मैं जब तक लॉग इन मैंने किया तब रिकॉर्डिंग शुरू हो गया था। हाँ, उस समय 1-2 सेकंड के लिए तो होती है, पर फिर मैं रोक के रखता हूँ ताकि जब सब लोग आ जाएं, जब हम सही में बात करना चालू करें, फिर हम चालू करते हैं, तो वो मैं बीच में रोक देता हूँ ताकि वो वैसे खाली रिकॉर्ड ना होता रहे। ठीक है, चलिए। तो अरे राम जी भी आ गए, जय श्री राम, राम जी नमो नमः। नमो नमः राम जी। नमो नमः। नमो जिसके नमः रंजी। हेलो। थोड़ा सा डिले हो गया। हाँ, चिंता मास्तु, चिंता मास्तु। ये भी एक बात है जो हम करते हैं। अभी यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? जी तो यदि आपने कहा क्षम्यताम या क्षमस्व कि क्षम्यताम। चलिए थोड़ी से देर हो गई या जो भी है, क्षम्यताम, क्षमा कीजिए, तो हम इसके उत्तर में कह सकते हैं चिंता मास्तु, चिंता मत कीजिए, कोई मुश्किल नहीं, चिंता मास्तु। नो प्रॉब्लम। लगभग उसके जैसा है ये एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब हम ओम का उच्चारण शुरू कर रहे थे, तो अब हम लोग सब एक साथ करते हैं, और अच्छा ही रहेगा कि आप म्यूट ना करें ताकि हर एक की आवाज़ आती रहे, तो कोई मुश्किल नहीं है और वो रिकॉर्ड भी होता है, हो ही रहा है सब कुछ, तो अच्छी बात है। चलिए, तो अब हम पूरा का पूरा करेंगे जो हमने कल पूरा 1 मिनट किया था। सिर्फ हमको अपने अंदर जो वो ध्वनि है किस तरह से नीचे से ऊपर आती है उसका अनुभव करना है। वो होता है, चाहे आप अनुभव करें ना करें, वो हो तो रहा ही, पर अब यदि हम ध्यान देंगे तो हमको और भी आनंद आएगा। तो चलिए आंखें बंद करते हैं।
आंखें खोल सकते हैं, रुक सकते हैं। लगभग 1 मिनट हो चुका है। तो आज पहले हम पुनरावृत्ति करते हैं। पुनरावृत्ति या पुनरावलोकन, इसका अर्थ समझते हैं? बिल्कुल समझते होंगे। रिपीट कर लेते हैं। हाँ, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट करना, पुनरावलोकन मतलब रिवीजन कर, मतलब एक बार फिर से देखना। तो दोनों शब्दों का अर्थ काफी मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर है। अवलोकन मतलब देखना और आवृत्ति मतलब फिर से करना। तो अभी हम दोनों ही करने वाले हैं, इसलिए कोई भी शब्द उपयोग करें इस जगह पे, दोनों बराबर है। तो मम नाम अंशु, भवतः नाम किम राम महोदय? मम नाम रामः, भवतः नाम किम मिश्रा महोदय? एक बार फिर से मम नाम दुखी श्यामः। एक बार फिर से राम जी, भवतः जो है बिल्कुल साफ साफ उच्चारण करना होगा। भवतः का जो अह विसर्ग है वो अलग से सुनाई आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए, हमको भी आना चाहिए। मम नाम रामः, भवतः नाम किम मिश्रा जी, मिश्रा महोदय? मम नाम श्यामः, भवतः नाम किम आचार्य? मम नाम अंशु। अभी एक और चीज हमको समझ में आई कि हम जो हिंदी में जैसे जी कहते हैं या श्रीमान कहते हैं, अंशु जी, राम जी, मिश्रा जी, तो जी की जगह हम संस्कृत में महोदय उपयोग कर सकते हैं, श्रीमान भी उपयोग कर सकते हैं। जी की जगह महोदय, तो महोदय और महोदया, लड़कियों के लिए महोदया और लड़कों के लिए महोदय। और भी कुछ शब्द हैं जैसे मान्य करके होता है, मान्यवर और मान्य, उनको भी उपयोग कर सकते हैं। तो मान्यवर और मान्य, ये पुल्लिंग है दोनों के दोनों, और ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। और कल हम जब अपने ये मीटिंग समाप्त कर रहे थे, कक्षा समाप्त कर रहे थे, तब हम आप को याद है पुनर्मिलामः, ये पुनः मिलामः, ये कहते हैं कि फिर मिलेंगे। पुनः मतलब फिर से और मिलामः मतलब मिलेंगे, हम मिलेंगे। अब मिलामः का उपयोग क्यों हुआ है ये बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि वो बहुवचन में उपयोग हो रहा है, तो इसलिए वो मिलामः है। फिर मिलेंगे या पुनः मिलेंगे। और इसमें हम जो है वो लिख भी सकते हैं और लिखने की आवश्यकता नहीं भी है तो भी चलेगा, वो अंडरस्टूड है, मतलब वो वैसे भी समझ में आ जाता है कि हम फिर मिलेंगे ही बोल रहे हैं। तो जब भी हम कक्षा से जा रहे हैं तो आप नमो नमः भी कीजिए, पुनर्मिलामः भी कीजिए, और फिर यदि जैसे दिन है, रात है, उसके हिसाब से शुभ संध्या, शुभ दिन, शुभ रात्रि, इनमें से कोई भी उपयोग कर सकते हैं समय के हिसाब से। और एक बहुत मज़ेदार चीज़ है जो शायद मतलब बहुत कम लोगों को पता होती है, जब भी हम अपने शुभ दिन, शुभ संध्या, शुभ
रात्रि, इन तरह के वाक्य बोलते हैं, तो इनमें जो और दूसरे तरह के लोग कहते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कई लोगों को थोड़ा वो रहता है अंग्रेजी में बात करनी है, तो इनमें अंतर क्या है, किसी को मालूम है अंतर? मैं उस दृष्टि से पूछ रहा हूँ कि इसमें सही असल में कोई लाभ है, कोई फायदा है शुभ दिन, शुभ रात्रि, शुभ संध्या बोलने में, या सिर्फ एक अलग, जैसे वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, हम हिंदी में बोल रहे हैं या संस्कृत में बोल रहे हैं, इसके अतिरिक्त तो क्या अंतर है? हम तो जो ये जो ग्रीटिंग करते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाला, वो ग्रीटिंग तो हम नमस्कार या प्रणाम करके कर लेते हैं। हाँ तो इसका शुभ दिन तो हम या शुभ दिन या शुभ रात्रि तब बोलेंगे जब उसको प्रॉब्ली उसको जब बाय बोलने के लिए, अच्छा आपका दिन शुभ हो या आपकी रात्रि शुभ हो, जब वो उस तरह से, दैट इज व्हाट आई फील, मतलब ये हाँ मेरा मेरा मानना है। हाँ अधिकतर हम जाने के समय ऐसा बोलते हैं, जब जैसे हाँ मिल लिए, अब हो गया, उसके बाद जाने के समय हम ऐसे बोल देते हैं कि चलो आपका दिन शुभ हो या शुभ रात्रि, शुभ संध्या जी। लेकिन इसके बोलने में क्या अंतर है, मैं उस दृष्टि से पूछ रहा हूँ कि अंग्रेजी में बोला या हिंदी में बोला, तो हिंदी या संस्कृत में बोला, इसका कोई फायदा है क्या, इसका कोई लाभ है क्या? तो अब मैं बताता हूँ कि आपने यदि वर्णमाला आपको ध्यान में होगी, तो प फ ब भ, ये जो भी दूसरे अक्षर हैं हर वर्ग के, चाहे वो क वर्ग हो, चाहे च वर्ग हो, ट वर्ग हो, प वर्ग, सभी में जो दूसरे वाले अक्षर होते हैं, दूसरे और चौथे, ये महाप्राण होते हैं। सर और एक महाप्राण बार का सर, अर्थ है कि हम उसमें बोलते समय अलग से कुछ ज्यादा हवा अपने मुंह से निकालते हैं। तो आप ब और भ को बोल के देखिए आपको, और ये चीज जो जिसने भी हिंदी संस्कृत पहले कभी वर्णमाला पढ़ी हुई है, तो ये मालूम रहता है हमको कि ब और भ दोनों का उच्चारण अलग अलग है। ब में हम हल्का सा बोलते हैं, उसमें ज्यादा हवा नहीं निकलती, और भ जब बोला तो भ में एक्स्ट्रा हवा, अधिक हवा निकलती है, इसलिए उनको महाप्राण बोलते हैं। और उसका अपोजिट है, मतलब यदि ब का आप सोचेंगे तो ब जो है अल्प प्राण है, जिसमें कम हवा निकलती है, प्राण जो है वो वायु। तो महाप्राण आप जब भी बोलेंगे, तो एक छोटा सा प्राणायाम आपके श्वास में ऑटोमेटिक हो रहा है, अपने आप हो रहा है, जब भी आप कोई भी महाप्राण शब्द कहते हैं। इसलिए भी यदि आप किसी से मिलते समय या फोन में बात करते समय हरि ओम कह रहे हैं, तो ह जो है, ह भी एक महाप्राण शब्द है, अक्षर है, सॉरी शब्द नहीं, ह की ध्वनि। तो जहां पे भी, और आप देखेंगे कि ब और ह को मिला के वो भ जैसा आवाज आती है। इवन प वाली पंक्ति में, प या प वाले वर्ग में देखेंगे तो प अल्प प्राण है और फ महाप्राण है, फिर ब अल्प प्राण है, भ महाप्राण है। तो फायदा क्या है इसको बोलने का, शुभ दिन और शुभ रात्रि, शुभ संध्या, शुभ वाले जितने भी हैं जिसमें भी भ का उच्चारण हम कर रहे हैं, और संध्या वाले में तो दो दो बार हो रहा है, क्योंकि भ भी महाप्राण है और ध भी महाप्राण है। तो एक छोटा सा प्राणायाम हमारी श्वास में अपने आप होता है, तो ये लाभ है। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की जगह यदि आप शुभ वाले शब्द उपयोग कर रहे हैं, तो सांस के लिए, मतलब असली में हमारे शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी वो लाभकारी अधिक है। तो ये बड़ी रोचक चीज है, शुभ दिन, शुभ रात्रि, शुभ संध्या के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब भी हमको कक्षा में या बाहर भी किसी से भी बोलना है, हाँ यदि मैंने आपसे पूछा कि भवतः नाम राम वा, तो
अब मैं क्या पूछ रहा हूं, और मैं यहाँ लिख भी देता हूं तो आपको समझेगा कि मुझे लगता है कि मुझे आपका नाम पहले से पता है, ठीक है? तो मैं ये सिर्फ पक्का करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका नाम यही है ना। तो मैं ऐसे पूछूंगा, भवतः नाम रामः वा, तो किसी भी वाक्य के अंत में वा लगा दिया तो वो एक प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। तो भवतः नाम मिश्रा महोदय वा, भवतः नाम रामः वा, तो ये प्रश्न बन गया। तो अब आपको उत्तर देना है कि हाँ मेरा नाम यही है, या सिर्फ हाँ बोलना है। तो जब भी हमको संस्कृत में हाँ बोलना होता है तो हम क्या कह सकते हैं? अस्तु। आम। अस्तु अभी आएगा, 1 मिनट में वो भी आएगा। आम का अर्थ है हाँ। अस्तु जो है वो है ठीक है। तो यदि आपको किसी चीज के लिए बोलना है हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो वो अस्तु है। जैसे बोलते हैं ना अच्छा, तो वो है अस्तु। तो कागज पेन लेके यदि बैठे हैं तो आप लोग नोट भी करते जाइए, और वैसे रिकॉर्डिंग जैसे मैंने कल भेज दी थी, आप लोगों को दिखी क्या रिकॉर्डिंग? हाँ ये हाँ बाद पता में कभी भी चलिए। देखने का मन हो तो आराम से वहाँ पे, अधिकतर मैं अगले दिन भेजता हूँ, क्योंकि कभी ज्यादातर दिन क्या होता है कि शाम को इस कक्षा के बाद फिर से 1 घंटे के अंदर मेरी अगली कक्षा भी रहेगी, तो फिर वो रिकॉर्डिंग को मैं अगले दिन डालता हूँ, तब थोड़ा अच्छे से समय मिलता है, तो उसको थोड़ा जमाना पड़ता है और फिर मैं अपलोड यूट्यूब पे डाल देता हूँ। चलिए, हाँ आपने बोलिए जब लिखे मिश्रा। शुभ दिन रात्रि संध्या, उसके बाद लिखे सुदिनम, और एक क्या है सुनक्तंग, हाँ वो उसके बारे में बताइए 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 तो शुभ दिन जो बताइए। है वो असल में शुभ दिनम हमको कहना चाहिए, मतलब शुभ दिन अकेला जो है थोड़ा अशुद्ध है, पूरा नहीं हुआ। दिनम यदि कहा तब वो पूरा हो जाएगा, तो शुभ दिनम भी चलेगा, सुदिनम भी चलेगा, दोनों का अर्थ एक ही है। आपने जैसे सुना होगा ना, कुमार और सुकुमार, पुत्र और सुपुत्र, तो जब हम सु शुरू में लगाते हैं तो उसका मतलब है कि अच्छा, जिस बट भी इसमें चीज में। महाप्राण नहीं आया, हाँ सिर्फ ये है कि इसमें सुदिनम। महाप्राण नहीं आ रहा, तो इसीलिए ये आपको लिखा हुआ तो मिल जाएगा कहीं पे, पर यदि हमको खुद से किसी को कहना है तो ज्यादा अच्छा है कि शुभ हम दिनम, शुभ दिनम, शुभ रात्रि, शुभ वाले जो शब्द हैं, शुभ वाले जो वाक्य हैं उनका उपयोग करें, तो वो हमारे लिए भी लाभकारी है और सुनने वाले के लिए तो अच्छा लगता ही है उसको। सर इसमें होगा शुभ दिनम और शुभ रात्रि, हाँ रात्रि में नहीं होगा, नहीं रात्रि वो ई वाला है ना, दिन जो वो है वो स्त्रीवाचक। अकारांत है, तो अकारांत में हम ये विसर्ग या अनुस्वार लग सकता है, रात्रि में नहीं लगता क्योंकि वो इकारांत संध्या है। में लगेगा, शुभ संध्या में। संध्या में भी आवश्यक नहीं है, संध्या में आवश्यक नहीं है। दिनम होगा और सब में हाँ और संस्कृत में असल में ये भी है, वो धीरे धीरे हम सीखेंगे तब समझेगा, कि अधिकतर शब्दों में लिंग भेद भी है, तो पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, और नपुंसक लिंग तीसरा लिंग भी है, तीनों तरह शिवलिंग। से उपयोग होते हैं। तो जैसे दिनम है, तो दिनम जो है ये नपुंसक लिंग शब्द है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में हम लोग नपुंसक लिंग समझते हैं लेकिन वो संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उनके लिंग संस्कृत में अलग है, और क्योंकि संस्कृत मूल भाषा है तो हमको उसमें जो उपयोग होता है वो भी धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे आप देखेंगे वृक्ष, तो वृक्ष जो है जैसे ही अह विसर्ग लगा किसी भी शब्द के अंत में तो इसका मतलब है कि ये क्या है, केवल लिंग पुल्लिंग लिंग है, ठीक वृक्ष है, स्त्रीलिंग होगा। निवृक्ष है, पुल्लिंग होता है।
वृक्षह के सही जो है रूप मतलब। हैं वो बालक और राम की तरह चलते हैं। बालकः रामः वृक्षः। वृक्षो वृक्षा हाँ, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, तो ये जो है पुल्लिंग की तरह चलते हैं। लेकिन अब दिनम यदि मैंने बोला तो दिनम जो है वो नपुंसक लिंग है, ठीक है। अब रात्रि जो है ये स्त्रीलिंग है, रात्रि लिंग नपुं रात्रि जो है नपुंसक लिंग नहीं है। जबकि हम हिंदी में दिन रात इनके लिए अलग से लिंग उतने ज्यादा उपयोग करते नहीं है। हालांकि बोलते हैं कि रात हो गई, रात हो गया नहीं बोलते, दिन हो गया और रात हो गई। तो हिंदी में उपयोग थोड़ा सा अलग है और संस्कृत में उपयोग थोड़ा सा अलग है। तो लिंग धीरे धीरे हम समझेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो शब्दों के लिंग भी पता चलेंगे कि कब क्या उपयोग होता है, कौन सा क्यों उपयोग होता है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आपको समझा। भगवतः नाम राम वा तो यदि मुझे सिर्फ पक्का करना है कि क्या आपका नाम राम है, मतलब मुझे अंदाज है कि आपका नाम मुझे ध्यान में आ रहा है, तो मैं सिर्फ कंफर्म पक्का करने के लिए पूछ रहा हूँ। तो भवतः नाम रामः वा, ऐसे मैं पूछ सकता हूँ। तो अब यदि आपका नाम राम है तो आप कहेंगे आम, और यदि नहीं है तो न, या नहीं। नहीं संस्कृत में जो है छोटी ई लगती है नहीं के साथ, और न भी चलता है, तो दोनों चलेगा। न, मम नाम रामः न, दो बार बोलना पड़ेगा। और वैसे ही आम, मम नाम रामः, और सिर्फ आम बोला या सिर्फ न बोला तो भी चलेगा। तो चलिए अब एक बार इसका भी प्रश्नोत्तर वाला हम एक छोटा सा राउंड जैसा कर लेते हैं। तो मिश्रा जी, भवतः नाम मिश्रा दुखी श्यामः वा। आम। चलिए अब आप प्रश्न कीजिए। राम महोदय भगवतम नाम राम बा एक बार फिर से आम। मिश्रा जी, एक बार फिर से प्रश्न। भवतः नाम राम बा आम। मम नाम राम वा नहीं, वाह भगवतम बोलेंगे नाम। तो वो फिर से प्रश्न हो जाएगा, तो वाह को अच्छा आपको हटा के बोलना पड़ेगा। भवत नाम राम आम आम मम नाम राम उत्तम। जब भी आपको भवत नाम अंशुवा हम, मम नाम अंशु, तमम उत्तमम। तो अब उत्तमम हम दोनों चीज समझ गए, अपना नाम बताना, किसी से उसका नाम पूछना, और किसी से उसका नाम पक्का करना। ये थोड़ा सा अलग इसका उपयोग है, पर हम ये भी समझ गए अब कि यदि हमको पहले से पता है कि नाम क्या है तो सिर्फ कंफर्म करने के लिए हम जो पूछते हैं वैसा वाला ये उपयोग है। तो किसी ने अपने घर में या कहीं पे कुछ कोशिश करके देखी कल और आज के बीच, घर पे या मित्रों के साथ, किसी के साथ संस्कृत नहीं। आराम से कर सकते, क्योंकि छोटे छोटे जो वाक्य हम सीख रहे हैं वो पूरे हैं, मतलब उनमें अब और सीखने का कुछ नहीं बचा, वो आप सीख चुके हैं और आपने थोड़ा सा अभ्यास भी कर लिया। तो अब आप औरों के साथ भी वो अभ्यास कर सकते हैं, औरों को भी सिखा सकते हैं छोटी छोटी चीजें कि नाम कैसे पूछ। मेरे घर पे एक्सट्रीम्स हैं। मेरे बच्चे और मेरी वाइफ को संस्कृत वो जितने श्लोक लोग बोलते हैं उतना ही समझ में आता, बाकी ये सब बोलूँगा समझ में नहीं आएगा। और दूसरी तरफ मेरी माँ है, मेरे मामा जी है, वो संस्कृत के पंडित हैं, तो अगर मैं उनको यहाँ स्टार्टिंग में बोलूँगा तो पहले हंसेंगे मुझ पर, तो मैं थोड़ा सा प्रिपेयर होकर फिर बात करूँगा उनसे। अच्छा, प्रिपेयर जैसा कुछ नहीं है वो, मतलब जो जो आप सीख रहे हैं उतनी तो बातें कर ही सकते हैं, क्योंकि हम ये सोचते रहेंगे कि एक दिन आएगा जब मैं बात करूंगा, तो वो दिन आपको शायद साल भर बाद लगे या 6 महीने बाद लगे, क्या पता। हाँ नहीं पर बराबर थोड़ा थोड़ा कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभ्यास के लिए वो मजेदार है कि कोई बच्चा मिला, उसको बोला
मम नाम रामः, भवतः नाम किम्? तो अब वो उसको समझाए, वो पूछेगा कि इसका क्या मतलब है, तो फिर उसको बता सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आम और न दोनों आपको समझा। अभी प्रश्न को हम उल्टा करके देखते हैं और इस बार देखते हैं कि उत्तर कैसा मिलता है। तो मिश्रा महोदय, भवतः नाम रामः वा? माम नाम दुष्यामा आम हाँ, तो आम जो है, आम कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने तो पूछा कि आपका नाम राम है क्या, तो पहले तो आपको न किसी तरह बोलना पड़ेगा ना, कि नहीं मेरा नाम दुखी श्याम है। जी, कोई शब्द नहीं जी। मतलब मैंने बोला कि चलिए फिर से करेंगे, कोई वो नहीं है। हाँ मिश्रा जी, मिश्र सॉरी मिश्रा महोदय, भवतः नाम रामः वा? ना, मम नाम दुखी श्याम। चलिए अभी आप प्रश्न कीजिए। महोदय, भवता नाम राम वा अंशु जी, अंशु महोदय। न, मम नाम रामः न, मम नाम अंशु। रामः महोदयः, भवतः भवता नाम अंशु वा राम आम। महोदय, भवतः नाम राम वा आपने मुझे पूछा। जी, भवतः नाम अंशु वा राम महोदय। न, मम नाम राम वा, मम नाम अंशु न। और वा जो है आपको लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अच्छा जब भी आप सॉरी, वा ओके बोलेंगे तो वो फिर से प्रश्न बन रहा है। ओके, ओके। तो न मम नाम अंशु हाँ न, मम नाम रामः। उत्तमम उत्तमम। तमाम तो देखिए, अब आप 2 दिन के अंदर थोड़े बड़े बड़े वाक्य बनाने लगे ना, प्रश्नोत्तर भी चालू हो गया हमारा। तो यही हम संस्कृत में सीखते हैं, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। जिस जिस चीज की हमको आवश्यकता है वैसी वैसी चीजें हम सीखते जाएंगे, और साथ में आगे पीछे उसका व्याकरण भी होगा, उसके लिंग भेद होंगे, धातुएं होंगी, सब आएगा, धीरे धीरे सब आएगा। पर जिस चीज की आवश्यकता है सबसे पहले वो। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं देख लूं पिछले उसमें हमने क्या क्या कर लिया था। हाँ ठीक है, तो अब नया पृष्ठ खोलते हैं। इदानीम भवान और भवती, ये शब्द का अर्थ है आप। तो अभी यदि हम अपने पिछले प्रश्नों में देखें, जैसे हम भवतः नाम, भवत्याः नाम ऐसे बोलते हैं या पूछते हैं, तब आपको हमने कल भी बात की थी कि भवतः और भवत्याः जो उपयोग है उसका अर्थ क्या है? आपका आपका और आपके हाँ, आपका, आपके, कुछ भी बोल सकते हैं, आपके, काके, की, कुछ भी हो सकता है। तो आपका, ठीक है। तो अब इन दोनों में अंतर थोड़ा सा है, इसको ध्यान में रखना है, और धीरे धीरे उपयोग करते करते उसकी अभ्यास हो जाता है, तो फिर आदत पड़ जाती है, फिर हमको सोचना नहीं पड़ता। जैसे अभी हम नाम पूछते हैं तो हमको पता है कि हम सीधे भवतः या भवत्याः उपयोग करते हैं, भवतः नाम किम या भवतः नाम रामः वा, इस तरह से हम पूछते हैं, और फिर उत्तर में आम या न कह सकते हैं। अब भवान या भवती कब उपयोग होगा?
तो अब उसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पे अब नए उदाहरण लेंगे। वान भिक्षं देहि भगवान भिक्षं किं करोति? रामः महोदयः, भवान् किं करोति? मम अभ्यास करिष्येति तो अब थोड़ा सा हम करिष्यामि बदलते हैं। पहले तो करोमि या करिष्यामि हाँ, तो करिष्यामि पहले तो हाँ ये भी उपयोग लिख लेते हैं, आप और आपका, जैसे भवान और भवतः में अंतर है, उसी प्रकार मम जो है ये है मेरा, और जब आपको बोलना है मैं तब होगा अहम। ठीक है, तो अभी आप शायद यहाँ पे मैं बोलना चाहते थे कि मैं ऐसा पढ़ रहा हूं या ऐसा कर रहा हूं जो भी है, तब आप ये बोलेंगे कि अहम पठामि। जब भी अहम का उपयोग करते हैं तो हम आमी साथ में लगाते हैं, पठामि लिखामि, अहम पठामि संस्कृतम। इसी के साथ में आप लिखामी भी उपयोग कर सकते हैं, यदि आप लिख रहे हैं तो इसी के साथ आप वदामी उपयोग कर सकते हैं, यदि आप बोल रहे हैं तो एक्सक्यूज मी ये लिखना है, ये बोलना है और ये पढ़ना है, तीनों का उपयोग हो सकता है। और अहम और मम में आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कोई अंतर नहीं मिलेगा, चाहे वो लड़का बोले चाहे लड़की बोले, वो अहम और मम हर एक के लिए एक ही है, बराबर है, कोई अंतर नहीं है उसमें। पर अब जब हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, तब भवान और भवती या भवतः और भवत्याः में अंतर है, मतलब तब पुल्लिंग के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग और महिला के लिए अलग हम उपयोग करते हैं। तो चलिए अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ, भवान किम करोति मिश्रा महोदय? अहम बदामी संस्कृतम अहम संस्कृतम बदामी मम प्रश्न पृच्छतु। भवान किं करोति आचार्य महोदय अहम पठामि संस्कृतम्, अहम लिखामि संस्कृतम्, भवान किं बदामी करोति रामः महोदयः? अहम पठामि संस्कृतम् भवान किं करोति मिश्रा महोदय अहम संस्कृतम् लिखामि उत्तमम्। तो उत्तमम् अब ये भी ध्यान देने योग्य है कि संस्कृत में हम शब्दों को आगे पीछे कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ता, वाक्य का अर्थ वही का वही रहता है। तो यदि हम संस्कृतम पठामी अहम संस्कृतम, अहम संस्कृतम पठामी, अहम पठामी संस्कृतम, इनमें से कुछ भी बोलें सब एक ही है, अर्थ वही का वही है। तो सर पहले आएगा ये सर्वनाम आएगा उसके बाद कार्य आएगा फिर उसके बाद क्रिया आएगी आपकी आवाज थोड़ी सी शुरू में टूट रही थी, हाँ फिर से बोलिए मिश्रा जी। सर्वनाम कर्म देन क्रिया संस्कृत में ये बदल सकता है, संस्कृत में वो आप हिंदी के उपयोग बोल रहे हैं, संस्कृत में आप कुछ भी आगे पीछे कर दीजिए तो भी अर्थ वही का वही रहता है। जी तो इसलिए ना इवन जो अंतरिक्ष की कई सारी अंतरिक्ष में शोध कार्य करने वाली कंपनियां हैं जैसे नासा है, उन लोगों ने भी रिसर्च करके उनको समझ में आया कि वो लोग बहुत दूर दूर तक अपने सैटेलाइट्स में और कहीं कहीं पे संदेश भेजते हैं या पाते हैं, तो
अंग्रेजी में या किसी भी और भाषा में यदि भेजते हैं तो उसमें यदि कोई शब्द पहले पहुंच गया और बाद में कुछ और पहुंचा, जबकि उनने भेजा कुछ और पहले था, वो दूसरा पहले पहुंच गया, तो उसका अर्थ बदल जाता है। लेकिन सिर्फ संस्कृत ही ऐसी भाषा है दुनिया में जिसमें वो नहीं होता। तो अब उन्होंने भी ये उपयोग करना चालू किया है कि हम संस्कृत में संदेश आदान प्रदान करें ताकि उसका अर्थ जो है बदले नहीं, क्योंकि जी जब इतने तो दूरी लंबी लंबी दूरियों पे चीजें भेजते हैं या रिसीव पाते हैं तो उनका जो क्रम है कभी बदल सकता है, क्योंकि वो डिजिटल है, मतलब कंप्यूटर काम कर रहा है, तो कौन सी चीज पहले आ गई कौन सी बाद में आ गई वो पक्का नहीं रहता। तो उसमें उनके लिए काफी लाभ हो जाता है यदि वो संस्कृत उपयोग करें। चलिए, तो ये चीज आपको समझ गई, भवान किम करोति हमने जैसे पूछा। तो अब इसमें एक थोड़ी सी ध्यान देने की बात है, जो शायद यदि हमने स्कूल विद्यालय के समय या और भी कहीं पे संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आप पूछ सकते हैं कि ये करोति क्यों लगा, क्योंकि करोति जो है ये प्रथम पुरुष का उपयोग है और अभी हम पुरुष देखते हैं, एक मिनट में करोता देखते हैं। करोति करोता तो पुरुष जो है, एक सेकेंड रुकिए, जस्ट तो अब हम तीन पुरुष लिख लेते हैं, किसी भी एक क्रिया को ले लेते हैं, जैसे पठामी ले लेते हैं, तो पठती के उसके लिए थोड़ा पढ़ने में ध्यान में आएगा। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और तीसरा कौन सा है? प्रथम में जिसको हम अंग्रेजी में थर्ड पर्सन बोलते हैं। पर देखिए हमारी संस्कृति की ये एक और विशेषता है जो उस दिन उपनिषद में भी कक्षा में भी बताई थी एक आचार्य ने, कि हम प्रथम पुरुष को प्रथम पुरुष क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रथम मतलब तो पहला होता है, और जबकि हम पहले अपने लिए बात करते हैं तो इंग्लिश में उसका ठीक उल्टा है, मध्यम पुरुष में सेकंड पर्सन होता है और जब हम खुद के लिए बात करते हैं उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं वो लोग। तो क्योंकि वो सेल्फ इंडिविजुअलिस्टिक बेस्ड सोसाइटी है इसलिए वो खुद का जब बोलते हैं तब फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। हम लोग जो है खुद के लिए जब बोलते हैं तो वो उत्तम पुरुष है, लेकिन हमारे लिए पहले दूसरे लोग हैं, फिर सामने वाले हैं और अंत में हम खुद आते हैं। तो उत्तम में मैं हूं, मध्यम में आप या तुम, और प्रथम पुरुष में वह, कोई भी तीसरा मनुष्य, किसी तीसरे की बात हो रही। तो अब हम इसके तीनों वचन में ही देख लेते हैं अभी के अभी, तो वो भी ध्यान में आ जाएगा क्योंकि अभी अभी हमने एक उसका उपयोग किया था पिछले पृष्ठ पे, और ये वाले उपयोग हर वाक्य में होते हैं, किसी ना किसी रूप में आएंगे। तो अभी से थोड़ा सा पता चल जाए, समझ में आ जाए, तो एक बार कम से कम पहली बार के लिए समझ में आ जाएगा। तो प्रथम पुरुष में हम एक वचन के लिए कहते हैं पठति, तो रामः पठति, दुखी श्यामः पठति, अंशु पठति। तो जब भी हम किसी तीसरे मनुष्य के बारे में बता रहे हैं, किसी को भी बता रहे हैं या लिख रहे हैं, तो पठति, लिखति, वदति, करोति, तो ति वाला जो उपयोग है ये प्रथम पुरुष में उपयोग होता है। इसी का
एक मिनट, पहले द्विवचन लिखना होगा। द्विवचन, वापस से लॉगिन करना पड़ेगा, 1 मिनट बाकी है। अरे हाँ, आया मैसेज आ रहा है। ठीक है, जब कट जाएगा तो जुड़ जाएंगे वापस। अभी हम चालू रखते हैं अपना। तो एक वचन में पठति, मध्यम पुरुष में पठसी। तो यदि मैं सीधे किसी सामने वाले से समझा नहीं, वो एक बार मुझे, मैं समझा नहीं, ये जो विसर्ग का आपने अभी बताया वो एक बार वापस से बताएं प्लीज। तो ये जैसे मैंने लिखा है रामाह पठंती, आप इसको कैसे पढ़ेंगे, इस वाक्य को कैसे पढ़ेंगे? रामाह मतलब जैसे जहाँ जहाँ माँ, जैसे अ है तो राम ह होगा, और रामा आया तो रामाह आएगा ना, हा आएगा, हाँ, तो वो जो रामाह। हा है वो हा की जगह सिर्फ ह उच्चारित करना है, क्योंकि विसर्ग में मात्रा नहीं है, विसर्ग में कभी भी मात्रा नहीं होती। अच्छा, और जहाँ पे बहुवचन बोलेंगे वहाँ रामा ह, हाँ रामा ह पठंती। हाँ और मैं वही बता रहा था कि हमने हमने भी बचपन में वैसे ही सीखा था जैसा आप बता रहे हैं ना, हमने भी हमारे विद्यालय में भी हमको उस तरह से ही समझ में आया था कि जब आ की मात्रा लगी तो सब में आ की मात्रा हम लगा देते थे, मतलब रामा हा हा में भी आ की मात्रा लगा देते थे। पर अभी कुछ समय पहले जब से मेरा संस्कृत भारती और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान इन सब से संपर्क हुआ है, तो उच्चारण की शुद्धता और भी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आई है उनकी मदद से भी, तो पता चला कि जब विसर्ग है तो विसर्ग को हमेशा ह की तरह ही उच्चारण करना है, उसमें हा नहीं लगेगा, सिर्फ ह। तो रामा ह मतलब बार, सर, एक वचन में रामा हा और बहुवचन में रामा। हाँ बहुवचन में रामा ह, तो आ जो है वो अच्छे से सुनाई आएगा और ह जो है वो तो ह ही रहेगा, वो चाहे एक वचन में हो चाहे बहुवचन में। कनेक्ट नहीं हो रहा है सर, बीच बात और एक ह बार। में बदलाव नहीं आएगा, ह जो है वो ह ही रहेगा। यदि मैं इसको लिख के दिखा देता हूं तो थोड़ा और समझ में आएगा, जैसे हम इसको बोल रहे हैं रामह, ऐसा उच्चारण है ये, ठीक है? तो उसी प्रकार बहुवचन में उच्चारण होगा रामाह, न कि रामाहा। हा में आ की मात्रा नहीं लगेगी, ह हमेशा बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि वो विसर्ग है, विसर्ग में कोई मात्रा नहीं होती। रामा तो अब समझा ये रामो अंतर? रामा हा। हाँ धीरे धीरे समझ, मतलब आज आपको पता चल गया, अब आप जहां भी पढ़ेंगे या कहीं उपयोग करेंगे तो आपको फिर कभी ना कभी ध्यान में आता रहेगा कि अच्छा हाँ मैं, क्योंकि हमको आदत भी होती है ना, आदत के अनुसार हम विसर्ग को अधिक लंबा उच्चारण करते हैं, पर आज जैसे पता चल गया तो अब धीरे धीरे हम उसको शुद्ध करते जाएंगे अपने उच्चारण में जहां जहां भी वो आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो अब मध्यम पुरुष का देखते हैं। तो पठसी पठथः पठथः, पठामह। हाँ तो अभी आते हैं उसके ऊपर, पहले इसके उदाहरण साथ में लिख लें। तो त्वं पठसि युवाम पठथः, सॉरी यूयम पठथः।
अभी से इनको याद करने की या स्मृति में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम सिर्फ लिख के देख रहे हैं ताकि एक बार वो पूरी तालिका जो है, ये टेबल, टेबल को हम तालिका कहते हैं, तो ये पूरी तालिका पूरी हो जाए। पर अभी अधिकतर हमको काम इसका बढ़ने वाला है, एकवचन प्रथम पुरुष, बहुवचन प्रथम पुरुष और एकवचन उत्तम पुरुष, और कभी कभी बहुवचन उत्तम पुरुष का भी उपयोग आएगा। अभी दिखाता हूं मैं, अभी आपको ध्यान में भी आ जाएगा। तो पठामि, पठावह द्विवचन के लिए, और पठामह। अब आपको शायद ध्यान याद आएगा कि हम अबाम बयम वाम वयम, तो वयम पटामा से कुछ याद आ रहा है आपको? हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं, और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, आपको याद है, पुनर्मिलामह या पुनः मिलामह। मिलामा, हाँ तो हम मिलाम मिलामह क्यों मतलब बोलते हैं? अब आपको, सब लोग, हम लोग हम सब लोग मिलेंगे या मिलते हैं, पुनः मिलते हैं। अभी मिलेंगे भविष्य वाला उपयोग अभी हमने नहीं सीखा है, तो अभी हम उसकी बात नहीं करते। पुनः मिलामह का मतलब है फिर से मिलते हैं, मिलते हैं। ये जो एक सेकंड सर, पचल हाँ बिंद जी, ये जो बयम या के ऊपर हमने बिंदी दर रखा, और हाँ अगर हम ब या मा में हलंत, वो भी कोई तकलीफ नहीं ना। हाँ अब मैं वो उस अंतर को बताता हूँ, वो सीखने, वो थोड़ी सूक्ष्म चीज है, इसलिए मैंने अभी तक नहीं बताई थी, पर अभी आपने अच्छा किया, पूछ लिया, तो अब हम उसकी भी बात कर लेते हैं और इनको शुद्ध कर देते हैं। जहां पे भी मैंने ये म लगाया है, वो उसको शुद्ध कर दिया जाए पहले। हाँ, तो अब क्या होता है कि जहां पे भी अगला शब्द संस्कृत में, यदि हमको जैसे युवाम पठथः या वयम पठामः, जब भी ऐसा कर रहे हैं, तो जब भी अगला शब्द का पहला अक्षर कोई व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या है पहला अक्षर पठामः में? व्यंजन प, तो व्यंजन व्यंजन है। तो जब भी अगला अक्षर व्यंजन है किसी शब्द में, सिर्फ तब अनुस्वार आएगा पिछले अगर स्वरवर्ण शब्द होता तो एम हलंत हो जाता है। में। हाँ, तो यदि अगला व्यंजन है तो अनुस्वार आएगा, मतलब और हम बाकी सारी स्थितियों अगच्छाम में म ही लगेगा। बाकी सारी स्थितियों में यदि अगला अक्षर व्यंजन नहीं है, या फिर हम किसी वाक्य में, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा अहम पठामी संस्कृतम, जब हमने लिखा था, तो किसी वाक्य के अंत में जब वो शब्द आ रहा है जहाँ पे म लगने वाला है, तो यहाँ पे हम अनुस्वार नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम म पूरा का पूरा और साथ में हलंत लगा के जो लिखते हैं वैसा लिखेंगे। संस्कृतम ऐसा वाला नहीं लिखेंगे, कैसा वाला? ऐसा वाला। अलग आएगा उधर। हाँ, क्योंकि वो वाक्य के अंत में आ रहा है। तो यदि आपने अगर उसको अगर थोड़ा ये होता पलट के बोला होता कि अहम संस्कृतम पठामी, तो तब वो संस्कृतम ये वाला आता, क्योंकि अगला जो है पठामी दूसरा में प व्यंजन से चालू हो रहा। जी तो सिर्फ एक छोटा सा नियम है कि यदि अगला अक्षर व्यंजन से चालू हो रहा है, अगला शब्द, सिर्फ तभी अनुस्वार हम पिछले शब्द में उपयोग करेंगे, चाहे वो त्वम हो, अहम हो, आवाम हो, वयम हो, किसी में भी, और नहीं तो म पूरा का पूरा लगाते हैं। नहीं तो पूरा म लगेगा। ये थोड़ा सूक्ष्म नियम है, संस्कृत में लगभग 3-4 पाठ होने के बाद ये समझ में आता है, पर अच्छा है आपने आज पूछ लिया। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि क्योंकि मुझे बचपन से ये वाली उत्कंठा थी कि कब बिंदी लगाएं और कब म लगाएं, तो हमारे शिक्षक से हमने ना पूछा ना उनने बताया, तो हमारे स्कूल के समय वैसा नहीं हुआ था, पर बाद में मुझे लगा कि हाँ, ये नियम क्या है, होना क्या चाहिए। तो ये भी संस्कृत भारती से ही मुझे पता चला है, तो काफी उपयोगी नियम है।
कई जगहों पे देखने मिलता है, पर अब आपको ध्यान में आएगा कि कब बिंदी लगाना और कब म लगाना है। ठीक है, तो अब देखिए कि मध्यम पुरुष में हम क्या उपयोग करते हैं, पठसी पठतः पठथ। ठीक है, इस थ को हमेशा पूरा अच्छे से था की तरह नहीं, पर थ जो अंत में एक अ की ध्वनि होती है वो हमेशा उच्चारण करनी चाहिए। जैसे राम, तो हम राम पे रुक जाए तो वो हिंदी हो जाएगी, वो संस्कृत नहीं है। जैसे कृष्ण, तो अ जो अंत में एक वो अ की ध्वनि है उससे वो अक्षर पूरा होता है। लेकिन जहां पे हमने हलंत लगाया है वहां पे वो आधा है। तो जैसे अहम में अहम हम नहीं कहते, क्योंकि वहां पे अहम में हलंत है, तो म वैसे भी आधा ही है, तो वो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो अब देखने की बात ये है कि जब हम भवान कहते हैं तो भवान क्या है, आप। ठीक है, आप मतलब है हम मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मध्यम पुरुष में तो हम पठसी ऐसा उपयोग करते हैं, तो ये प्रयोग जो है सिर्फ भवान और भवती पे ही विशेष होता है। इनका उपयोग जो है इसमें क्रियाएं प्रथम पुरुष की चलती हैं, भवान भवती जब भी आप उपयोग करेंगे। क्योंकि देखिए करोति कैसे आ गया यहाँ पे, करोति तो प्रथम पुरुष में उपयोग होता है ना, रामः पठति, बालकः पठति, अंशु पठति, इस तरह से जब जब भी हम कहते हैं तो पठति तो प्रथम पुरुष के लिए आता है जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भवान और भवती का विशेष उपयोग है कि जब भी हम भवान या भवती उपयोग कर रहे हैं जिसका अर्थ है आप, तब हम प्रथम पुरुष की क्रियाएं उपयोग करेंगे। तो जब भी करोति पठति लिखति वदति, ये जो भी क्रियाएं उपयोग होंगी वो प्रथम पुरुष की होती है, और ये सिर्फ भवान भवती के साथ ही होगा, बाकी कभी नहीं होगा। बाकी आप यदि त्वम उपयोग कर रहे हैं तो जो यहाँ पे तालिका में दिख रहा है वैसे ही होगा, पठसी त्वम पठसी। तो ये नियम समझ में आया आपको सबको? सर त्वम युवम देन युवम युवम क्या, फिर से बोलिए। सेकंड पर्सन में सर, द्वितीय 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 पर्सन, हाँ त्वम हो गया, त्वम का द्विवचन हो गया युवाम युवाम, हाँ, और बहुवचन हो गया यू युअम युयम, अम नहीं है यम है ना, दोनों य है तो युयम। तो त्वं पठसि, युवां पठथः, यूयं पठथ, ऐसा। ठीक है, तो अब हम दो दो वाक्य एक साथ बोलते हैं और उसी तरह से हम पूछेंगे। तो एक बार फिर से प्रश्नोत्तर करते हैं जिसमें, और वो सारे जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अभ्यास के लिए कह रहे हैं, पर असली में वो बात करते समय आप वैसे ही बात करेंगे, मैं उस हम उस तरह से उपयोग करेंगे। अहम संस्कृतम पठामि, मम नाम अंशु, या मैं इसको उल्टा बोलता हूँ वो ज्यादा अच्छा है, मम नाम अंशु, अहम संस्कृतम पठामि, तव भवतः नाम किम रामः महोदयः, तव भवतः किम भवान किम करोति। राम महोदय, आप म्यूट में, राम महोदय। आप म्यूट में। अहम पठामि संस्कृतम, भवन किम करोति मिश्रा महोदया। एक बार फिर से,
आपकी आवाज शुरू वाली नहीं आई। अहम पठामी संस्कृतम। अरे नाम भी तो बोलना है, जैसे मैंने बोला मम नाम अंशु अहम पठामी संस्कृतम। मम नाम रामः, अहम पठामी संस्कृतम। भवान किं करोति मिश्रा महोदयः? मम नाम दुतिश्यामः, अहम संस्कृतं पठामि। भवान नाम किम अंशु महोदय, भवान किम करोति? तो अब ये अंतर ध्यान में रखिए, भवतः नाम किम तो तब होगा कि आपका नाम क्या है, और भवान किम करोति में भवान उपयोग होता है। ये अंतर आपको समझा ना? अभी जैसे आपने पूछा तो आपने मुझे बोला कि भवान नाम किम एंड भवान किम करोति, तो भवान किम करोति तो सही है, लेकिन नाम वाले में भवतः आपको बोलना होगा। भवतः नाम किम, क्योंकि वो आपका पूछना चाह रहे हैं आप। तो मम नाम अंशु अहम संस्कृतम पठामि, तो ये आपका मतलब भवतः, हाँ और आप क्या कर रहे हैं तो भवान आएगा, मतलब हाँ भवान भवती मतलब आप, उसमें आप का नहीं है, आपका। सिर्फ आप। आप भवान भवती में सिर्फ आप और आपका, मतलब भवतः, तो तब आप। भवतः या भवत्याः, इसलिए ऊपर लिख दिया मैंने क्योंकि वो बहुत ध्यान देने वाली चीज है, और उन्हीं के इक्विवेलेंट मतलब उन्हीं से मिलते जुलते, जो ये आपके लिए है, ये मैं के लिए है, और ये तुम के लिए है, तो दोनों के मिलते जुलते उपयोग हैं। अहम और मम, तो मम मतलब मेरा और अहम मतलब मैं, वैसे ही त्वम मतलब तुम और तव मतलब तुम्हारा। चलिए, तो आज मेरे ख्याल से 5:10 लगभग हो चुका है, तो जी सर्वेषां नमो नमः। कक्षा समाप्तम करोमि, अहम कक्षा समाप्तम करोमि, सर्वेषां नमो नमः, पुनर्मिलामः, शुभ दिनम, शुभ संध्या, नमो नमः, पुनः मिलामः, शुभ संध्या। उत्तमम उत्तमम, पुनर्मिलामः, शुभ संध्या। सर अब अगले फिर मिलेंगे 4:00। हाँ, आगामी शनिवार, शनिवारे आगामी कक्षा शनिवारे, हाँ आगामी शनिवारे कक्षा पुनः अस्ति, अस्ति मतलब है, आगामी शनिवार कक्षा अस्ति। ये भी मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, जैसे जैसे देखो अभी आज कुछ बोला, आप लिख के रख लीजिए या कहीं पे ध्यान में रखिए, फिर अगले शनिवार को जब मिलेंगे तब हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि शनिवार रे क्यों बोला, शनिवारस्य क्यों नहीं, मतलब क्या क्यों कह रहे हैं, वो उनका उपयोग समझेंगे। तो जैसी जिसकी आवश्यकता पड़ती है हम वैसे वैसे सीखते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अस्तु महोदय, आसान लग रहा है, आप रहेंगे तो हो जाएगा हमारा लगता है। अरे तो मेरा काम ही है सिखाना, मैं 15 साल से 20 साल से लोगों को अलग अलग चीजें सिखा रहा हूँ, तो मुझे तो आनंद आता है, मुझे पता है कि कैसे सीखते हैं लोग, इसलिए मैं इस तरीके से सिखाता हूँ। ये संस्कृत को ऐसे संस्कृत इजी हो जाता है, बट मेरा एक अनुभव है, ये संस्कृत पंडित जो रहते हैं ना स्कूल में, वो इतना व्याकरण को डरा देते हैं, हाँ तो वो डर मन में रह जाता है, तो इसलिए आम चाल बोलचाल में वो आ नहीं पाता। वही है कि जो उसको पुस्तक समझ के पढ़ा रहा है वो उसको जस्ट एक कि हाँ पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर बस उसको खत्म करना है वैसा करके पढ़ा रहा है, तो उसमें भाषा का जो रस है वो आपको हर किसी को मिल नहीं पाता, लेकिन हम आनंद लेके और सही में उसको सीखने के लिए करेंगे तो आएगा फिर, जैसे हम अभी कर रहे हैं, हम एक एक चीज को समझ रहे हैं क्यों है कैसे है, जिस चीज की आवश्यकता है सिर्फ वही कर रहे हैं पहले, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये पूरी की पूरी तालिका में सब कुछ एक बार में बताने लगूं, वैसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसा पुस्तकों में भी यही होता है ना कि ऐसा टेबल बना दिया और अब आप सबको ट्राई करो, तो अब जैसी हमको आवश्यकता पड़ेगी हम तब करेंगे ताकि उसकी आदत पड़े। तब वो रजिस्टर हो जाता है, हाँ जब
जब जैसे बोल आज चल मैं। आज आपने सवाल पूछा वहां पे, मैंने जब मम किया और आपने अहम बताया, तो ये अब रजिस्टर हो गया, ये समझ में आ गया। हाँ, और मैं ये और अगर आप मेरा में तालिका, अंतर आपको समझ में आ गया। और ये अगर आप तालिका बना के देते मुझे ना, तो मैं कम से कम 10 बार पढ़ना ही पड़ता, वो कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, तो हाँ कंफ्यूजन रहता। तो ये अप्रोच बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। और धन्यवाद मुझे ऐसा मित्र। याद आ रहा है कि अपनी मीटिंग में लगभग 10-12 लोग आए थे, कल हाँ, कल ही मीटिंग जब हुई थी, और ग्रुप ग्रुप में में भी पांच भी सात आए लोग गए थे, हैं, लेकिन जुड़े तो हैं लोग, पर पता नहीं अभी इसमें तो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कुछ होगा मुश्किल। आगे लिखते हैं वो। अच्छा, और एक चीज है कि अभी आप क्योंकि ग्रुप में आ गए हैं, तो बाकी जो ग्रुप में आपको सदस्य दिखते हैं, तो आप अपने मन से कभी भी किसी को संदेश या कुछ करना चाहें, पूछने के लिए कि आप कक्षा में आ रहे हैं क्या, ऐसी जस्ट प्रेरणा देने के लिए, ताकि आज नहीं आए तो चलो अगले हफ्ते तो आ जाएंगे, क्योंकि जितने अधिक लोग होते हैं उतना आनंद आता है, ऐसे जब ये प्रश्न उत्तर होते हैं तो बहुत मजा आता है, 4-5 लोग हों, मजा दस आता दस लोग हों, तो क्योंकि वो धीरे धीरे प्रश्न और अच्छे अच्छे और मजेदार होते जाते हैं। सर। हमारा और एक सुझाव मेरे तरफ से सर, अगर यहाँ पर हम 2 लोग होते हैं, तो नहीं तो पुराना कोई ग्रुप होगा उसमें भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो आपके लिए भी समय निकलेगा और वो लोग को भी समय देंगे। तो अगर उस तरह भी हो जाएगा कि हमने राम महोदय, अगर आप आपसे कोई ये तक शिकायत नहीं है, तो किस हमने बारे ये में, चीज मुझे को भी, समझा नहीं, फिर से बोलिए। सर ये जो हम हमारा जो कक्षा है, सिर्फ राम महोदय जी और मैं 2 होंगे, तो हमारे दोनों के लिए आपने अभी समय दिया है। सपोज और कोई नहीं आ पाता है, तो हम दोनों को आप पुराना कोई ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ताकि उस ग्रुप में हमने क्लास शुरू कर ले। ये ग्रुप जो है असल में वैसा ही है, एक मेरा ग्रुप है जो ऑलमोस्ट 1.5 साल से चल रहा है, तो वो तो बहुत आगे है, जी ठीक है। उसमें मैं कुछ समय बाद, लगभग 1-2-3 महीने हो जाए उसके बाद मैं जोड़ूंगा, क्योंकि तब मुझे पता होगा कि आप उनके लेवल के लगभग बराबर में आ जी रहे जी हैं, जी उसमें मैं लेकिन बाद में मेरा जोड़ कहने का क्या सर दूंगा। था, हाँ, कहने का इतना मतलब था सर, अगर सपोज हम 2 लोग हैं, कहीं किसी का एक प्री ऑक्यूपेशन हो गया, तो पूरा एक आदमी के लिए आपको रहना पड़ेगा, हमको भी रहना पड़ेगा मुझे कोई आगे परेशानी जाके नहीं, अगर। क्योंकि आप रिवीजन तो, जैसे मैंने कल रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, तो आपका आज यदि गलती से छूट भी गया होता तो आप उससे देख तो सकते ही थे कि क्या हुआ है, और सिर्फ उतना समय देना है कि आपको 1 घंटे बैठ के वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग, पेन पेपर लेके बैठना है, ताकि आपको कुछ नोट बनाना हो, लिखना हो, तो वो साथ में कर लें, और कल क्या हुआ था कक्षा में वो आपको पता चल जाएगा। तो जिसको इंटरेस्ट है वो तो कर ही लेगा, कैसे भी कर लेगा, आज करेगा नहीं तो कल करेगा। बाकी जब जो आता है, ये ग्रुप जैसे मैं बता रहा हूँ ना, कि अभी आपको ग्रुप में लगभग 10-12 लोग तो दिख ही रहे होंगे, पर कभी कोई आता है कभी कोई नहीं आता है, तो वो उनके ऊपर है, इसलिए मैं बोल रहा था कि हम कभी कभी किसी को संदेश भेज के पूछ लें कि भैया आप आने वाले हो क्या, अगले में आओगे क्या, बहुत मजा आ रहा है, या कुछ भी ऐसा, तो थोड़ी बहुत प्रेरणा मिलती है, शायद ज्यादा लोग आ जाएंगे अगले में। जी 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 मैसेज डाल देता हूँ मैं एक साथ अच्छा बना के, तो हाँ, प्रेरणा हो जाएगी। क्योंकि तो अब एक ये परिवार आप बन रहा है, तो अब आप सदस्य हैं, तो अब ऐसा, जिस हाँ, जिससे पांच छह चाहें लोग आप हो बात जाएंगे कर तो बहुत सकते हैं अच्छा आराम है। से। हाँ बात बात भी सही है, क्योंकि क्या होता है कि हम दोनों के दिमाग से सिर्फ 2 ही प्रश्न आएंगे, और 8 होंगे तो 8 प्रश्न आएंगे, तो हाँ जितने ज़्यादा प्रश्न आएंगे उतने ज़्यादा हमें ये भी समझ में आएगा कि अच्छा, इसका मतलब ये ऐसा भी भी हो होता सकता है, है, ऐसा भी हो ऐसा सकता भी हो सकता है, क्योंकि वो है। मतलब वो उसके इंटेलिजेंस से भी पूछेंगे ना बाकी लोग, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, ताकि जान हमारी पड़ जाएगा। उसके कक्षा हिसाब से मैं में ऐसा पूछूंगा, बहुत होता है, हमारे एक ऐसा दो ही होता है। विद्यार्थी हैं जो इतने मजेदार, मतलब वो लोग तो चुटकुले बनाते हैं संस्कृत में, और ऐसे ही बोलते बोलते ही, जैसे वो पूछेंगे कि कोई पूछ रहा है अहम पठामि संस्कृतम, तो वो बोलती है कि अहम धावामि, तो धावा में मतलब दौड़ना, तो बाकी लोग पढ़ रहे हैं और एक दौड़ रहा है, तो ऐसा कुछ भी वो जवाब देते हैं, तो बाकी लोग को भी मजा आता है कि अच्छा ऐसा भी हो मजा सकता है तुम, आता, हाँ हाँ कि तुम दौड़ रहे हो। चलिए, पुनर्मिलामः, कक्षा समाप्तं करोमि, नमस्कार, सर्वेषां सर्वेशां नमो नमः। धन्यवाद नमो नमः, प्राचार्य, धन्यवाद प्राचार्य महोदय। धन्यवादः।